नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेके चलते हैं असम की ओर। असम में पिछले कुछ दिनों से एक कहानी सुनाई जा रही थी, हालांकि ये कहानी अब झूठी निकली। यह निश्चित रूप से असम के लिए मुन्ना भाई MBBS वाला मामला है, जिसमें मुन्ना भाई ने लगभग हर किसी को बेवकूफ़ बनाया, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर राजनेता तक शामिल है। पिछले करीब एक सप्ताह से 24 साल का राहुल कुमार दास चर्चा में बना हुआ है। राहुल पाथाचार कोची का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर एक गरीब चाय विक्रेता और मां का बेटा ट्रेंड कर रहा था। कारण था कि वह ऐसा बेटा जिसने एक ही बार में नीट क्लियर कर ली और प्रतिष्ठित एम्स में सीट हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि यह कहानी फर्जी है। नीट करने वाले एक छात्रों के समूह ने सबसे पहले मीडिया के सामने यह दावा किया कि राहुल के दावे फर्जी हैं। कई स्रोतों के जरिए यह वेरीफाई हो गया कि राहुल के एडमिट कार्ड में हेराफेरी की गई थी। उसने हरियाणा के एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि उसे एम्स में सीट मिली है। राहुल ने मीडिया को जो रिकॉर्ड दिया था उसमें नीट परीक्षा के लिए उसका रोल नंबर राहुल के द्वारा दिखाए गए कार्ड का भी यही नंबर था, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन से पता चला कि यह हरियाणा की किरणजीत कौर का रोल नंबर था, जिनकी AIR रैंक 11656 थी। असम की मीडिया ने सबसे पहले राहुल की कहानी को उठाया और जल्द ही राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे लपक लिया। हर जगह उसकी प्रशंसा होने लगी। यहाँ तक कि असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा सरमा ने भी कहा कि राज्य सरकार उसका शैक्षिक खर्च उठाएगी। असम के कैबिनेट मंत्री रंजीत कुमार दास ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पाथाचर कूची में उसका अभिनंदन करने पहुँचे और घोषणा की कि सरकार राहुल की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। हालांकि अब खुलासा होने के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से में राहुल की माँ की छोटी सी चाय की दुकान तोड़ दी। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल और उसकी माँ और छोटा भाई सभी फरार हैं। वहीं राहुल ने फेसबुक पर पोस्ट आत्महत्या की धमकी भी दी है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा भी फर्जीवाड़ा होता है कि मनुष्य अपने आप को उठाने के लिए किस किस तरह के फर्जीवाड़े करता है। क्या इस कहानी पर विश्वास करेंगे आप? अपने कमेंट्स देकर हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।